बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, यह हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है। जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं इन खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी जो पहली खबर सामने आ रही है वो ये है कि हिमांशी खुराना को लेकर ये खबरें थी कि वो बिग बॉस सीजन 13 में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली है, लेकिन अब खुद हिमांशी खुराना ने इस खबर को जुटला दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अप्रोच तो किया गया था, लेकिन फिलहाल उनका स्केड्यूल काफी बिजी है और इसलिए वो सीजन 13 का हिस्सा नहीं हो सकती है। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो है नॉमिनेटेड लड़कों को लेकर। जी हाँ, इस हफ्ते के बाद होगा सीजन का पहला फिनाले और इस फिनाले से पहले जो लड़के नॉमिनेट हुए हैं टास्क के बाद वो हैं पारस छाबरा, सिद्धार्थ डे और सिद्धार्थ शुक्ला। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो ये है कि आसिम रियाज की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि टास्क के दौरान उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया था जैसे नमक, मिर्ची, मसाले और भी कई चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से उन्हें एलर्जी हो गई, उनकी स्किन बर्न हो गई। इस वजह से उनके लिए घर में डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने उन्हें ठीक किया। फिलहाल उनकी तबीयत में काफी सुधार है। उसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो ये है कि शेफाली बग्गा ने बिग बॉस के घर में इन सभी कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में रश्मि देसाई शेफाली बग्गा के सवालों से बचकर भागेंगी। जी हाँ, क्योंकि शेफाली ने रश्मि देसाई से ये कहा कि आपके हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला मैनिपुलेटिंग है, आपने कहा कि आप सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में अपने विचार साफ तौर पर रखना चाहती हैं, तो आज मौका भी है और दस्तूर भी, आप अपने विचार सामने रख दीजिए। और रश्मि इस बात को इग्नोर करती हुई नजर आती है और शेफाली के बाद पूछे जाने पर भी फोन के सवालों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। उसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो है मिडवीक इविक्शन को लेकर। जी हाँ, हर सीजन में मिडवीक इविक्शन होता है, तो इस सीजन में भी होगा मिडवीक इविक्शन, जो कि इविक्शन होगा वेडनेसडे या फिर थर्सडे को, जहाँ वीकेंड का वार से पहले ही नॉमिनेटेड सदस्यों में से कोई पहले ही बेघर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें जो कि आपको एपिसोड आने से पहले ही अपडेट कर देती है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो इसी तरह से आप हर रोज रात 8 बजे की टॉप 5 खबरें रोजाना देख सकते हैं और बिग बॉस के स्टेटस सीजन से जुड़ी ऐसी ही और भी कई टेढ़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।